ओके तो चलिए अब हम नेक्स्ट सिनेरियो डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट सिनेरियो है एक स्फेरिकल शेल का जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है. ओके लिख लीजिए. फाइन. तो आपके पास मान लीजिए कि एक स्फीयर है इस तरह का. ओके उसका रेडियस अगर r है और उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. और अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज पीरियड लेंथ का यहां पे कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आप कौन सी लेंथ लेंगे. जो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द एरिया. और कौन सा एरिया? सरफेस एरिया. राइट. तो यहां पर चार्ज पीरियड लेंथ देना कोई सेंस नहीं होगा, इसलिए चार्ज पीरियड एरिया दिया जाता है. लेट अस से वो सिग्मा है. ठीक है. और सिग्मा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ऑलराइट. और मुझे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना है और आउटसाइड कितना है. राइट. चलिए इसको हम ट्राई करते हैं. अब अगर मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालनी है, ये वो पॉइंट है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. ठीक है. अब इसको अगर मैं स्प्लिट कर लूं दो भागों में पूरे स्फीयर को इस तरह से, तो यहां पे कुछ चार्जेस हैं, ठीक है, और कुछ इस तरफ हैं चार्जेस. ठीक है. अब अगर इस तरफ वाले चार्जेस हैं, मैं यहां से ऑलवेज एक लाइन बना सकता हूं जो कि सेंटर से पास हो रहा है. राइट. तो इस तरह से मैंने इस डॉटेड लाइन से इस पूरे पूरे स्फीयर को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया है. ओके. तो अगर यहां पर एक चार्ज लेता हूं मैं और एक यहां पे लेता हूं, दोनों की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? एक इसकी वजह से यहां आएगी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी. तो नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी ऐसी हो जाएगी. ठीक है. इस तरफ से हो गई. अब अगर मैं दो चार्ज यहां पर ले लूं, ये इनकी वजह से सिमिलरली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आएगी इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. अब ये जो फील्ड है इसको कैंसिल करने की कोशिश कर रही है. अब आप देखिएगा कि यहां पर नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा हैं और यहां पे कम है. ठीक है. लेकिन ये जितने चार्जेस हैं इनका डिस्टेंस भी तो यहां से काफी कम है. तो हालांकि ये है नंबर कम में, लेकिन इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ से ज्यादा होगी अगर आप करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स निकालेंगे. ठीक है. तो नेट नेट क्या होगा, जितनी इन सब की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, लेट से दिस इज ई लेफ्ट, वो इक्वल हो जाएगी ई राइट के. और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल जीरो हो जाएगी. ठीक है. तो ये आप हमेशा याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल इज जीरो. ओके. अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल. ओके. तो समझ लीजिए कि ये आपके पास वापस से वही स्फेरिकल शेल है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है. फाइन. और आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, स्मॉल r, जो कि रेडियस से बड़ा है. ठीक है. यहां पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट. अब आप देखिए, जितने भी आप दो पॉइंट ले लें करस्पॉन्डिंग, ये पॉइंट ले लें फिर ये ले लें, कोई भी दो पॉइंट ऐसे करस्पॉन्डिंग वाले ले लीजिए, इन सब का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलोंग द एक्सिस ही होने वाली है, मतलब कि आप सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो अलोंग दिस लाइन ज्वाइनिंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. अगर सिग्मा पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, और नेगेटिव है तो टूवर्ड्स द सेंटर होगी. ठीक है. तो ये तो हो गई डायरेक्शन की बात. और स्फेरिकल शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकाली जाती है एज इफ पूरा का पूरा जो स्फेरिकल चार्ज है वो एक पॉइंट चार्ज कैसे हो जाता है. कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे एट पॉइंट पी विल बी सच एज इफ एंटायर चार्ज ऑफ स्फीयर इज लोकेटेड एट द सेंटर. और टोटल चार्ज कितना है स्फीयर का? सिग्मा इंटू 4πr². राइट. तो अगर मैं इस डेफिनेशन से जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई मेरी? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के टाइम्स क्यू बाई आर स्क्वायर. राइट. और क्यू कितना है? क्यू हो गया मेरा सिग्मा इंटू 4πr². राइट. इज डिवाइड बाई आर स्क्वायर.
अब मैं k को एक्सपेंड कर देता हूं क्योंकि न्यूमरेटर में मुझे पाई दिख रहा है, तो पाई कैंसिल होने के लिए मैं इस तरह से लिख देता हूं, ये हो गया ठीक है। अब यहां पर आप पाएंगे कि 4 पाई आप कैंसिल कर देंगे और आपके पास आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर बाई आर होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आ गई। अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आउटसाइड, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जस्ट ऑन द सरफेस आउटसाइड विल बी व्हाट, यू पुट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, यू गेट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो अगर आपको क्यू पता है तो डायरेक्टली ये यूज कर लीजिए, सिग्मा मालूम है तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ओके। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ग्राफ बनाइए इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एक्स एक्सिस पे, तो आप ट्राई करिए किस तरह का होगा। कहने का मतलब है कि अगर इस तरह से आप प्लॉट करने जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर है, ठीक है, और ये जो लाइन है ये लाइन यहां पे आर इक्वल टू कैपिटल आर पे इंटरसेक्ट करती है, तो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जब तक आर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर नहीं हो जाता है तब तक कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो होगी, क्योंकि वो पॉइंट तो इनसाइड है कि नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। और फिर जैसे ही आर इक्वल टू कैपिटल आर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, ठीक है, तो सडनली ऐसे जंप करेगी यहां पे, ओके। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r², तो 1/r² से ये डीके होगा, तो कुछ इस तरह से आएगा ये, ऑलराइट। तो ये एक प्लॉट हो गया एक स्फेरिकल शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड का, ओके। अब हम करते हैं सॉलिड चार्ज स्फीयर विथ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कहने का मतलब है कि आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है उसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, फाइन। तो जैसे कि आपके पास समझ लीजिए कि ये एक स्फीयर है, ओके, इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो समझ लीजिए रो है, फाइन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी होगी और आउटसाइड कितनी होगी। एक और चीज गिवन है वो है रेडियस, ओके, समझ लीजिए इसका रेडियस जो है वो भी गिवन है कैपिटल आर। तो अगर आपको इनसाइड निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आप, मैं आपको एक हिंट देता हूं, आप खुद से ट्राई करिए। इसको आप पूरे सॉलिड स्फीयर को ऐसे अज्यूम कर सकते हैं जैसे ढेर सारे हॉलो स्फेरिकल शेल ऐसे स्टैक्ड हैं एक दूसरे के ऊपर। कहने का मतलब है कि ऐसे 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 ढेर सारे शेल्स हैं, राइट, और आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर पे, ओके। चलिए अब इसको करते हैं। आप यहां पे एज्यूम कर लीजिए कि एक इमेजिनरी आपके पास एक ये है स्फीयर है जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब अगर आपने ये एज्यूम किया हुआ है कि पूरा जो सॉलिड स्फीयर है वो जो है हॉलो स्फेरिकल शेल से बना हुआ है, तो जितने भी शेल इस डिस्टेंस में होंगे वो क्या होंगे, इस पॉइंट से बाहर होंगे, ठीक है, तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो आनी ही नहीं है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ आएगी ये जो चार्ज है इसकी वजह से, और वो जो पॉइंट है इस चार्ज के बाहर है, तो जितने भी शेल होंगे स्फेरिकल शेल डॉटेड लाइन तक वो बिहेव करेंगे एज ए सेंटर पे लोकेटेड है, और जितना भी शेल इस डिस्टेंस के अंदर है वो उनकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड आनी नहीं है, तो उनको कंसिडर करने का कोई पॉइंट ही नहीं रह जाता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एट पॉइंट पी, लेट अस से दिस इज पॉइंट पी, ओके। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, के स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। ये स्मॉल क्यू क्या है, दिस स्मॉल क्यू इज चार्ज इनसाइड
डॉटेड स्फीयर, फाइन। अब चार्ज तो गिवन नहीं है, क्या गिवन है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है, राइट। तो चार्ज कैसे निकालूं मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से? चार्ज विल बी डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। आयो समझ में? तो इसको मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा अगर, तो कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? के रो 4πr² डिवाइड बाई 3, ये आती है, राइट। अब मैं k को एक्सपेंड कर देता हूं क्योंकि मुझे न्यूमरेटर में 4π दिख रहा है और π कैंसिल हो रहा है, तो कर देंगे फटाफट, ठीक है। तो k को 1/4π सम नॉट लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, और 4π गेट कैंसल्ड, और एक r स्क्वायर भी यहां से चला जाएगा, ये दिस इज 4πr³, एक r स्क्वायर चला गया तो यहां सिर्फ r बचेगा, राइट। तो नेट नेट जो मेरे पास आ रहा है इक्वेशन, वो आ रहा है 4 रो r डिवाइडेड बाई 3 इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई मेरी एट पॉइंट P, और ये रेडियली आउटवर्ड होगी, तो ये r यूनिट वेक्टर के अलोंग होगी भाई, फाइन। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और एक और चीज आप नोटिस करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आप सेंटर से जा रहे हैं बाहर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव है, तो आप ये याद रखिएगा, ये वाला रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब अगर मुझे बाहर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां निकालनी है, मान लीजिए अब मैं जो स्मॉल आर है दैट इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है, तो मैं अगर ऐसे कंसिडर कर लूं डॉटेड लाइन, तो सारा का सारा चार्ज तो इसके अंदर ही आ गया है कि नहीं। तो पूरा जितना भी चार्ज है वो बिहेव करेगा एज इफ पॉइंट चार्ज है लोकेटेड एट द सेंटर, ऑलराइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार आउटसाइड, इसको मैं लिख देता हूं इनसाइड, दिस इज इनसाइड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड विल बी व्हाट? के टोटल चार्ज डिवाइड बाय आर स्क्वायर, राइट। अब टोटल चार्ज कितना इन टर्म्स ऑफ रो? टोटल चार्ज आएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब दिस टाइम, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आई वाज में तो इसको मैं लिख सकता हूं 4π चला गया यहां से, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रो रो बाई 3 इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 1/r², ठीक है। तो इधर आप देखेंगे तो ये जो चीज है ये ब्रैकेट के बाहर ये कांस्टेंट है, और जो वेरी कर रहा है वो 1/r² से वेरी कर रहा है, तो आउटसाइड द स्फीयर 1/r² से डिक्रीज हो रहा है और इनसाइड द स्फीयर r से इंक्रीज हो रहा है न्यूमरेटर पे, ऑलराइट। तो ये भी रेडियली ही होगी वैसे, तो मैं यहां पे r यूनिट वेक्टर लिख देता हूं, राइट। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और अगर आप चाहिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस और डिस्टेंस का अगर आपको प्लॉट करना है, समझ लीजिए डॉटेड लाइन r इक्वल टू कैपिटल r है, तो आप कैसे इसको प्लॉट करेंगे? शेल के केस में क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी जब तक r इक्वल टू कैपिटल r नहीं हो रहा था। यहां पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली इंक्रीज हो रही है, राइट। और जब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल r हो जा रहा है तो क्या ये उसके बराबर है? बिल्कुल है, ये रो कैपिटल r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट हो जा रहा है और ये भी रो कैपिटल r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन जब तक वो अंदर है तब तक लीनियर है ग्राफ, फिर उसके बाद 1/r² है, ठीक है। तो जब तक वो अंदर है तब तक ऐसे लीनियरली इंक्रीज होगा, ओके, और जैसे ही बाहर आएगा 1/r² से ऐसे घटता हुआ चला जाएगा, फाइन। तो इस तरह से आप इस पर्टिकुलर डेरिवेशन को आप देख सकते हैं, ओके। बेसिकली ये स्फेरिकल वाला जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आम बात हो जाती है स्फीयर्स यूज करना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं यहां पे, जो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप देख रहे हैं ये मेटल के केस में पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक सॉलिड मेटल लेंगे उसमें चार्ज डाल देंगे तो सारा का सारा चार्ज जो है सरफेस पे आ जाता है, अंदर कोई चार्ज नहीं रहता है,
ये सिर्फ एक इंसुलेटर के केस में हो सकता है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है अंदर भी, ओके।